स्ट्रेटजी वैशाली की तरफ से। लेकिन आगे बढ़ते हैं और त्रिमूर्ति शेयर्स बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं त्रिमूर्ति कैटेगरी में कौन से शेयर्स लेकर आए हैं आप? जी हाँ, टाटा मेटालिक्स फोकस में रहने वाला है। ओवरऑल जो है कमज़ोर नतीजे देखने को मिले हैं, हालांकि रेवेन्यू में 11% ज़रूर उछाल मिला है क्योंकि रियलाइजेशन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो आप मार्जिन्स देख लीजिए, बॉटम लाइन नंबर्स देख लीजिए और कामकाजी मुनाफे देख लीजिए, सब में जो है भारी गिरावट देखने मिला। और इसका मेन रीज़न है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई थी आपके 15% का, तो उसके कारण सारे जो मेटल स्टॉक्स है, मेटल एंसिलरी स्टॉक्स है, उनके डिमांड और प्राइसेस दो भारी गिरावट देखने मिले हैं। सेल्स वॉल्यूम भी जो PI सेगमेंट है और DI सेगमेंट है, दोनों में गिरावट देखने मिले हैं। पिरामल इंटरप्राइजेस भी फोकस में रहेगा और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि जो उनके जो होलसेल एसेट पोर्टफोलियो है जो उन्होंने खरीदा था DHFL से जब NCLT प्रोसीडिंग्स आई थी, अब वो जो है एक ARC को बेचेंगे और वो ARC जो है एक जॉइंट वेंचर है बेन कैपिटल और पिरामल कैपिटल का, और आप देख सकते हैं लगभग 710 करोड़ का लोन का बिडिंग हो सकता है देखा जाए तो। और ये जो सारे जो लोन्स है ऑफकोर्स DHFL से है, लेकिन जो पिरामल कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस इसका हम बात कर रहे हैं वो एक होल्ली ओन सब्सिडरी है पिरामल एंटरप्राइजेस का। तीसरा स्टॉक रहेगा फोकस में रेमंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ रही है मैनेजमेंट बेसिस पे, जहाँ पे अतुल सिंह को जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और ये जो है कह सकते हैं लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस FMCG स्पेस में है, 20 साल का एक्सपीरियंस कोका कोला में है, 10 साल का एक्सपीरियंस कोलगेट पामोलिव में है। और एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर ये भी है कि कंपनी की AGM आज दोपहर 12 बजे होने वाली है, तो ज़रूर जो है मैनेजमेंट कमेंट्री, स्पेशली जो कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस चल रही है उस पर क्या बयान आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर स्टॉक के रिएक्शन भी देखें तो June 23 से स्टॉक में भी 14% का जो है उछाल देखने मिला है। क्विकली देख लेते हैं मानसी, जहां पर आज एक्शन हो सकता है, न्यूज बेस्ड एक्शन होता है, सनोफी या यहां पर ये भी इंटीरियम डिविडेंड कंसीडर कर रहे हैं July 26 के आसपास, क्या पोजीशन ली जा सकते हैं सनोफी पे? किरण, कौन सा स्टॉक कह रहे हो? सनोफी इंडिया। सनोफी इंडिया की अगर हम बात करें तो 6500 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और ऊपर से जिस तरह का करेक्शन आया है, कंटिन्यू जो चार्ट है वो डैमेज हो चुके हैं, अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर हम देखें तो कोई भी अभी बुलिश डाइवर्जेंस या तो बुलिशनेस के जो सिम्टम्स है वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन वीकली या तो मंथली चार्ट के ऊपर हम देखें तो कहीं ना कहीं 6400-6300 के आसपास हमें एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है। और जो कोविड लो था वो कोविड लो भी 6000 के आसपास था, तो जो सपोर्ट है वो काफी दूर यहां से, तो मेरे हिसाब से यहां हमें कोई बॉटम फिशिंग के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एटलीस्ट 6200 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो वहां पे एक बार हम लॉन्ग करते हैं और स्टॉप लॉस 6000 के नीचे, बाकी करंट मार्केट प्राइस से तो वी वुड सजेस्ट कि वेट एंड वॉच कीजिए। चलिए रेमंड के चार्ट को जरा स्टडी करिए, 930 के आसपास आ गया है, पोजीशनल ट्रेडर्स या इवन ट्रेडर्स के लिए क्या एक वहां पे सीन बन रहा है? क्योंकि रेमंड में खबर आई है बहुत अच्छी कि एक बड़ी लीडरशिप चेंज है, अनिल सिंह, अतुल सिंह एक कंज्यूमर स्पेस के बहुत बड़े वेटरन है, कोका कोला में शायद रह चुके हैं बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे ओवरसीज, अब वो जो है पूरे ग्रुप को लीड करने, जब भी कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज आता है तो स्टॉक में थोड़ी सी हरकत होती है, क्या ये हरकत लॉन्ग साइड पे हो सकती है? जरा चार्ट्स क्या बोल रहे हैं ये बताएं वैशाली। एक इम्प्रूवमेंट जरूर दिखा रहा था और कल देखा तो एक बेरिश कैंडल बनी है, बट हाउएवर देयर इज नो डैमेज टू द ट्रेंड। टेक्निकली देखा जाए तो एक गैप था 880 और 900 के बीच में, तो वो गैप फिल हो जा रहा है, तो आई थिंक 880 के सपोर्ट के साथ ये व्यू पॉजिटिव रहेगा। अगर 880 लेवल्स टूटते हैं तो फिर ये ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, बट तब तक के लिए आई थिंक वन कैन बाय विद अ स्टॉप लॉस बिलो 880। बात पे तो मुझे अजय आपकी वाली बात भी याद आती है, आप कहते हैं व्हेन टू थिंग्स आर वेरी क्रूशियल, आइदर द स्टोरी चेंजेस और द स्टोरी टेलर चेंजेस। स्टोरी टेलर इसके अंदर चेंज हुआ है, स्टोरी दो साल पहले चेंज हो गई थी जब रियलिटी में अनाउंसमेंट किया था, मानसी को याद होगा। तो बिल्कुल रेमंड ऑफ कोर्स रियलिटी स्पेस को लेकर काफी हद तक फोकस में है और आप तो देखिए मैनेजमेंट में बदलाव भी लगातार रहा, यहां पर जो नई खबरें आ रही हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी न्यूज़ पॉजिटिव यहां पर दिख रही है। लेकिन हमारे